विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस बोलत आहेत थेट जावे तिथे. कशा प्रकारे दिले जातील, चर्चा कशा प्रकारे होतील. आज देखील BSEत आम्ही मागणी केली होती की नागपूरचं अधिवेशन आहे, विदर्भातलं अधिवेशन आहे, किमान 2 आठवडे तरी ते घेतलं गेलं पाहिजे. परंतु ती काही सत्तारूढ पक्षाने मागणी मान्य केली नाही आणि केवळ एकच आठवड्याचं, 5 दिवसाचं, 6 दिवसाचं ते अधिवेशन ठेवण्यात आलेलं आहे आणि एक प्रकारची फॉर्मॅलिटी ही केवळ त्या ठिकाणी केली जाते आहे. आमची अपेक्षा अशी आहे की या सरकारने तात्काळ खातेवाटप करून किमान महाराष्ट्रामध्ये जे काम वेगानं चाललं होतं ते वेगानं सुरू केलं पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचं असं आहे की आज इतके दिवस उलटून गेले तरी देखील शेतकऱ्यांना जी मदत मिळाली पाहिजे ती मदत मिळत नाही आहे. ज्या वाढीव मदतीची मागणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी यापूर्वी केली होती, काँग्रेस राष्ट्रवादीने केली होती, ती मदत देखील मिळत नाही आहे. या सरकारला आम्ही पूर्ण सहकार्य करायला तयार आहोत. सरकारने तात्काळ ही मदत त्या ठिकाणी द्यावी. 4 कामाचे पुढच्या वर्षी समजा आपल्याला कमी करावे लागले तरी हरकत नाही, पण शेतकऱ्यांची जी मदत आहे ती तात्काळ सरकारच्या माध्यमातून मिळावी अशी माझी अपेक्षा आहे. सिटिझन्स अमेंडमेंट बिल, या बिलावर काल लोकसभेमध्ये शिवसेनेने बिलाच्या बाजूने मतदान केलं. आज मात्र माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या पक्षाची भूमिका ही थोडी संदिग्ध आहे अशा प्रकारचं विधान केलेलं आहे. माझी अपेक्षा एवढीच आहे, सिटिझन्स अमेंडमेंट बिल काल स्वतः गृहमंत्र्यांनी सांगितलं हे या देशाकरता आहे, कुठल्याही समाजाच्या विरोधात नाही आहे. अतिशय चांगलं स्पष्टीकरण त्या ठिकाणी देण्यात आलं आणि त्यानंतर शिवसेनेने देखील त्याला पाठिंबा दिला, अनेक पक्षांनी पाठिंबा दिला आणि आता राज्यसभेमध्ये ही संदिग्ध भूमिका का, इथलं सरकार वाचवण्याकरता काँग्रेसचा काही दबाव आला आहे का, असा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित होतो. पण मला अजूनही अपेक्षा आहे की सिटिझन्स अमेंडमेंट बिल असेल किंवा NRC असेल, या संदर्भातली आपली जुनी भूमिका शिवसेना कोणाच्याही दबावाखाली बदलणार नाही, ती भूमिका शिवसेना कायम ठेवेल अशा प्रकारची मला अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र का अधिवेशन, विधानसभा का सत्र, ये केवल 6 दिनों का सत्र आयोजित किया गया है. सरकार बनने के बाद आज कई दिन निकल गए किंतु न पोर्टफोलियो का बंटवारा हो पाया है, कौन मंत्री है ये भी पता नहीं चल रहा, मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो रहा और इतने दिनों के बाद होने वाला ये अधिवेशन भी महज एक फॉर्मेलिटी की तरह हो रहा है, क्योंकि मंत्री ही कौन है पता नहीं है, किसके पास पोर्टफोलियो है पता नहीं है, कौन जवाब देने वाला ये भी पता नहीं है. इतने दिनों में किसानों को जो मदद करनी चाहिए उसका भी कोई अता पता नहीं है. हमने तो सरकार को आगे बढ़कर कहा है कि हम भी सरकार को मदद करने के लिए तैयार है, सहकार्य करने के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार आगे आए और इस प्रकार की मदद करे. लेकिन केवल कुछ प्रोजेक्ट्स को रोकने के सिवा कोई नया काम, कोई किसानों के हित का काम सरकार के माध्यम से होता हुआ नहीं दिख रहा. हमने तो ये मांग की थी कि नागपुर का सत्र ये कम से कम 2 सप्ताह का लिया जाए, लेकिन जब सरकार ही विस्तार नहीं कर पा रही और जवाब कौन देगा ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो सत्ता पक्ष ने उससे भी मुंह मोड़ लिया है और मात्र 5 या 6 दिनों का सत्र ये नागपुर में आयोजित होने वाला है. मुझे ऐसा लगता है कि विदर्भ के लोगों को जो वादा हमने किया था उस वादे को निभाते हुए कम से कम 2 सप्ताह का सत्र ये नागपुर में होना चाहिए और किसानों को जो मुआवजा देना है वो तुरंत मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है. सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल पर कल शिवसेना ने लोकसभा में बिल को सपोर्ट किया और बिल के सपोर्ट में वोटिंग किया, लेकिन
आज उनकी भूमिका ये कुछ बदली हुई नजर आ रही है। शिवसेना के पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ने इसके बारे में जो बयान दिया है उसमें संदिग्धता नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो सीएबी हो या एनआरसी हो, इस पर शिवसेना की जो भूमिका इससे पहले रही है, कांग्रेस के दबाव में यहाँ की सरकार चलाने के लिए अगर शिवसेना बदलती है तो मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं होगी। मेरी आज भी अपेक्षा है, ये देश के हितों में काम किया जा रहा है, किसी समाज के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये सारा का सारा इस देश को सुरक्षित करने के लिए ये बिल्स लाए जा रहे हैं। कल देश के गृह मंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में ये सारी चीजें कही है, और इसलिए मेरी अपेक्षा है कि कांग्रेस के दबाव में न आते हुए, चाहे वो सीएबी हो, सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल हो या एनआरसी हो, ये दोनों को शिवसेना ने समर्थन देना चाहिए। एकूणच सरकारने लवकरात लवकर खाते वाटप करावं अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली आहे। अधिवेशनामध्ये विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे कोण देणार असा देखील सवाल त्यांनी यावेळी बोलताना उपस्थित केलाय। अधिवेशन हे फक्त फॉर्मॅलिटी म्हणून घेतलं जातंय काय असा देखील सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेला आहे। एकूणच सरकारवरती त्यांनी टीका केलेली आहे, सरकारने लवकरात लवकर खाते वाटप करावं अशी मागणी देखील त्यांनी केलेली आहे।